हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीनू लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज जो डे है वो है सैटरडे एंड डेट जो भी होगी वो मेंशन कर दूँ। डेट मुझे याद नहीं है आज कितनी है। सो आज 17 या 18 है और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दो तीन दिन होने वाले हैं, बहुत सीवियर वाला कोल्ड एंड कफ हुआ है मुझे और अभी सुबह वॉमिटिंग भी हो गई है। मुझे तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरी और मुझे आज रात में निकलना है अपनी बुआ के घर पर क्योंकि उनके बेटे की, छोटे बेटे की कल इंगेजमेंट है। दैट्स वाई मैं ब्लॉग भी बना रही हूँ क्योंकि आपके साथ शेयर करना है। और अभी धूप बहुत अच्छी निकली हुई है तो मैंने जल्दी मॉर्निंग में ही शावर ले लिया था ताकि ना सही रहे, थोड़ी सी धूप भी मैं सेक लूँ। बैठी भी धूप में ही हूँ मैं अभी, तो अच्छा लग रहा है। और बिल्कुल, मतलब कल तो हाल मेरा ऐसा था कि कल मैं पूरे दिन बेड पर रही, बिल्कुल भी मतलब उठ ही नहीं मैंने। मतलब सोचो, सुबह से कोम नहीं किया था, कल कुछ भी नहीं किया था, इतना ज़्यादा मैं लो फील कर रही थी। इवन आज भी मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ लेकिन मेडिसिन पे हूँ अभी, दवाई वगैरह सब खा ली है, ठीक है। फिर भी दवाई खाने के बाद सुबह मुझे वॉमिट हो गई, बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। लेकिन जाना भी ज़रूरी है, आज हम लोग रात में निकल जाएंगे, देखते हैं। आज ही वैसे निकलना है रात में और दुआ करिए मैं जल्दी से अच्छी हो जाऊँ और अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँ। और जब अभी बिल्कुल ठीक थी, जब कुछ हो रहा है घर में तब ऐसा, और कुछ रिश्ते इतने ज़्यादा खास होते हैं तो वहाँ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा है। और बहुत 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 मुझे खांसी आ रही है, कहीं जाओ खांसी आती है ना तो बहुत ही मतलब अजीब सा लगता है कि, लेकिन क्या करें, जाना भी ज़रूरी है। सो मेरी पैकिंग पूरी हो गई है, अभी मैंने पैकिंग कर ली है, थोड़ा हस्बैंड का नहीं रखा है मैंने अभी कुछ भी। और मैंने अपनी तो पैकिंग कर ली है, जितना समझ में आया मैंने रख लिया है जैसे तैसे करके। बस हस्बैंड का भी रखना है अभी, तो बस उन्हीं की रह गई है अभी थोड़ी देर बाद। अभी जो टाइम हो रहा है सुबह के 12:30 बज गए हैं और अभी ना दोपहर में मेहंदी लगाने के लिए मैंने बुलाया है जिससे मैं हमेशा मेहंदी लगवाती हूँ, तो वो आएगी मेहंदी लगाने के लिए। मुझे मेहंदी लगवानी है और चाहे जितनी भी तबीयत ख़राब हो लेकिन किसी चीज़ पर कभी नहीं रहनी चाहिए, होता है ना। और घर की शादी या कुछ भी इंगेजमेंट वगैरह हो ना तो ये सारी चीज़ें तो मतलब अच्छा ही लगता है कि हाँ ऐसी मतलब कुछ मेहंदी नहीं लगाए, तो इसलिए मैंने मेहंदी भी लगाना है। बोल नहीं पा रही हूँ, इतना ज़्यादा यहाँ पेन कर रहा है बोलने में, खाने में बहुत ज़्यादा। मेरे साथ ऐसे ही होता है, जब सर्दी आई थी तब मैं बहुत ज़ोरों की बीमार हो गई थी, 1 महीने के लिए बिल्कुल से यही चलता रहा। अब जब फैब है, सर्दी जा रही है, मार्च आने वाला है, तो फिर भी ऐसे ही मेरे साथ हो जाता है कि मेरी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा वीक हो गई है ना कि मैं इतनी जल्दी किस मतलब सर्दी ज़ुकाम तो यूँ करके मैं ना यूँ करके लग जाता है बोलूँगी मैं तो, ऐसा है। तो स्किन केयर वगैरह मैंने कुछ भी कल नहीं किया था, तो मैं सोच रही हूँ अभी कुछ करने की हिम्मत तो नहीं हो रही है, बस मैं सोच रही हूँ पील ऑफ लगा लूँ, पील पैक लगा लूँ, तो बस वो ही है और तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले स्टीम भी ली थी क्योंकि बोल नहीं पा रही हूँ, नाक इतनी ज़्यादा मतलब ब्लॉक हो गई है यहाँ पर और कफ बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए तो स्टीम भी मैंने ले ली है। तो बस अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा एवायूब का मैं लेकर आई थी, और शोर आता है गाड़ियों का, तो एवायूथ का मेरी आवाज़ भी क्लियर आ रही है कि नहीं क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोलूँ आप लोगों से। तो एवायूथ का पिल पैक लगाऊंगी, दैट से और कुछ नहीं मुझे करना है, तो बस मैं वो ही लगा रही हूँ अभी। तो मैंने इनके इतने आउटफिट निकाल लिए हैं पहनने के लिए, और ये है इनकी वाइट शर्ट जो इन्हें पहननी है अभी, मतलब जब भी पहनेंगे, इन्होंने बोला था ये वाइट पर प्रेस कर देना, ये अभी न्यू है तो मैंने इसको प्रेस करने के। अब मैं यहाँ पर आयरन कर रही हूँ सारे कपड़ों पे, तो ये इनके मुझे कुछ समझ में आया, फिर जब आएंगे ये ऑफिस से और जो बोलेंगे चेंज करना होगा, तो मुझे अभी जो समझ में आया वो मैं वो रख रही हूँ अभी। चलो तो जल्दी आयरन करते हैं। गाइस, मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लग गई है, आप देखो ये है मेरी पीछे की मेहंदी, ये देखो वो घूम जाती है ना, समझ में नहीं आता है उसे। बस मैं इसको जल्दी से, सूख तो पूरी गई है मेरी, देखो पूरी सूख गई है,
और यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड का भी नेम लिखवाया है, ये देखो। मैं अच्छे से दिखाऊंगी। तो अभी जो टाइम हो गया 5:15 बज गए हैं और मेहंदी हो गई है, पैकिंग शैकिंग भी हो गई है मेरी, और मुझे एक न्यू हैंडबैग लेना था बट टाइम नहीं है, हस्बैंड ऑफिस में है, भाई भी कहीं बाहर गया हुआ है तो वो भी नहीं है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और मेरा बहुत बहुत मन हो रहा है कि मैं एक न्यू हैंडबैग लेकर आऊं। जब मैं मार्केट गई थी जब शॉपिंग करने के लिए तब तो मैंने नहीं लिया, बट मेरा आज बहुत मन कर रहा है लेने का। लेट्स सी, देखते हैं, नहीं तो पुराना ही लेकर चलते हैं, बट मेरा बहुत मन है न्यू हैंडबैग लेने का, देखते हैं फिर। फ्रेंड्स अभी जो टाइम हो रहा है 7:30 हो गया है, हस्बैंड ऑफिस से आ गए हैं और मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने यहाँ पे नेवी ब्लू कलर और मैंने यहाँ पर ना नेवी ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है, ब्यूटीफुल सी, ये देखो बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस है। सो कुर्ता पैंट एंड दुपट्टा, अभी मेरे को इसे सिर पर लेना है, ठीक है। और मैं रेडी अच्छे से हो गई हूँ, थोड़ा बहुत मेकअप भी मैंने कर लिया है। चलिए तो बस अभी हस्बैंड रेडी हो रहे हैं, शाल वगैरह ले रहे हैं, वो रेडी होते हैं उसके बाद हम लोग निकलेंगे। और ये कुछ अभी मेहंदी का, मैंने मेहंदी वॉश कर ली थी एक्चुअली, मैं चली गई थी अपने देवर के साथ मार्केट क्योंकि मुझे लेना था हैंडबैग, और बहुत ही खूबसूरत सा बैग मैं लेकर आई हूँ और मैं आपको भी दिखाऊंगी क्योंकि वो ही मैं लेकर जा रही हूँ, क्योंकि मैं बैग नहीं लेकर मतलब लिया नहीं था मैंने। एंड दिस इज माई हैंड बैग, ये है मेरा हैंड बैग, और ये जो ब्रांड है वो है एग्जॉटिक ब्रांड का है ये हैंड बैग, और बहुत ही प्यारा सा हैंड बैग है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसमें 3 कंपार्टमेंट है और पीछे भी चेन है, एंड देन हम स्लिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा न्यू बैग है, जस्ट मैं अभी लेकर आई हूँ क्योंकि मैं मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था और तबीयत ठीक नहीं थी, 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा लो थी तो हैंड बैग रह गया था, तो वो भी मैंने ले लिया, बैग पैक हो गए, बस थोड़ी देर में निकलना है। चलिए